गोरख और चौदह भवन में रावण रावण है चौदह भवन में रावण रावण है। सपना झूठा हो सरानी सपना झूठा हो सरानी चौदह भवन में रावण रावण है चौदह भवन में रावण रावण है। तो इस रावण को राज करते करते होगी। और कौन कौन से देवता मैंने किस किस काम पे लगा रखे हैं। छोटी मोटी बात मत समझ रावण की। पहली कली में रावण अपने बारे में क्या बताता है, क्या लिखा करोड़ देवता जक्के को ना बोले हटे के 33 करोड़ देवता जक्के को ना बोले हटे के। भाई बहमाता रही पीस पीस ने बहमाता रही पीस पीस दे पवन बुहारी टटके। इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुएं में लटके। इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुएं में लटके। और आँख खोल के देख ले गोरी आँख खोल के देख ले गोरी तू कुछ मत बोल तू बस सोरी। की हुई है सजनों और लग रहा हो थोड़ी बहुत मेहनत कलाकार कर रहे हैं तो सभी के लिए जोरदार ताली आप सबकी तरफ से हो जानी चाहिए। कहने लगा कि 60,000 बरस हो लिए मैं राज करूं सू डटके 33 करोड़ देवता जगके को ना बोले हटके। बहमाता रही पीस पीसने दे पवन बुहारी डटके। इंद्र राजा जल छिड़के मेरा काल कुएं में लटके। वाह आँख खोल के देख ले गोरी तू किस गफलत में सोरी। और 3 लोग और 14 भवन में रावण रावण हो। मंदोदरी कहने लगी कि महाराज क्या इस जहान में कोई राजा ही नहीं है जो आपका सामना कर सकते। कहने लगा कि मंदोदरी राजा है लेकिन सब रावण के तड़वे चाटते हैं सबके सब, मुझसे बड़ा राजा नहीं है। क्या कहने लगा कैसे राजा मोर मुकुट मेरे सब तड़वे चाटे से। जितने राजा मोर मुकुट मेरे सब तड़वे चाटे से। कई दरबारों में खड़े महात्मा शीश झुका नाटे से। शेषनाग अरे शेषनाग पाताल का राजा गिन गिन दिन काटे से। शेषनाग पाताल का राजा दिन काटे वाली जनता है, सुनने वाले मेरे प्रेमी श्रोता हैं, मंदोदरी ने एक बहुत बड़ी बात कही और ये बात दादा लक्ष्मी चंद ने लिखी है इस रागणी में। वाह! के महाराज, उस स्वयंवर में जिस समय सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, आप भी तो थे उस स्वयंवर में कि हाँ मंदोदरी में भी था, मैं भी था कि तो वो छोटे छोटे बच्चे आकर के धनुष तोड़कर चले गए, आपने धनुष क्यों नहीं तोड़ा? जब आप इतने बड़े राजा हो और इतने बड़े महारथी हो, धनुष क्यों नहीं टूटा? तो देखना रावण ने क्या जवाब दिया। कहने लगा कि मंदोदरी, उन बच्चों की मेरे सामने कोई गिनती नहीं थी उस समय। ये तो वाल्मीकि जी ने रामायण होने से पहले लिख दी। अगर मैं उस समय धनुष को तोड़ देता, सारा का सारा काया पलट हो जाती, सृष्टि पता नहीं कहां चली जाती। जैसे ही मैंने धनुष के हाथ लगाया था, 3 लोग थर्रा गए थे। और क्या लिखा है दादा ने, क्या मैं भी अचानक पहुंच गया वहां राम लखन को पाए। मैं भी अचानक पहुंच गया वहां राम लखन को पाए। भाई उन बच्चों की क्या गिनती, अरे उन बच्चों की क्या गिनती, मन बड़े बड़े ठुकराए। और जब ला गया था हाथ धनुष के, 3 लोग थर्राए। यो वरदान दिया शिव जी ने खामा खा जब धोरी। हर तीन लोग छोड़ भवन में रावण रावण होरी। 3 लोग छोड़ भवन में रावण रावण होरी। कली के माध्यम से रावण कहने लगा कि सीता को चुराने का भी कारण है मंदोदरी। सीता को मैंने किसी लिए चुराया। दादा गुरु लक्ष्मीचंद जी ने एक एक बात मोती की तरह परोई है। अगर रागनी अच्छी लग रही है तो मेरे लिए नहीं, दादा लक्ष्मीचंद जी के गिरबान जोरदार ताली हो जानी चाहिए। धन्यवाद जी। आइए लास्ट कली में तोड़ करते हुए कि सीता को क्यों चुराया। और बताऊं, क्योंकि आज लेट हो गए थोड़ा, मैं एक रागनी, क्योंकि इस किस्से को बहुत कम गायक सुनाते हैं, एक रागड़ी में शाही लक्कड़हारे की आपके सामने लाया था, लेकिन अब ज्यादा टाइम होगा। लेकिन शाही लक्कड़हारे की रागड़ी एक मैं तैयार करके लाया था, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद कंपटीशन भी है, तो उसकी तैयारी में मैं उसे याद कर रहा था। बहुत अच्छी रागड़ी थी। अगर आप कहोगे तो उसे सुना के जाऊंगा, और फिर आप कहोगे तो उसे पूरा का पूरा तैयार करके आप सबके सामने भी रखूंगा। लास्ट कली में क्या लिखा, कैसे भाई, जब से देखी शान सिया की इच्छा जगी गात में। सारी सभा का चक्कर लाया, कोन्या आई हाथ में। सारी सभा का चक्कर लाया, कोन्या आई हाथ में। जब से मारा घली राम के, आया फर्क बात में। क्यों चुराई सीता? सब छोटे छोटे राजा थे, किसी पे धनुष नहीं उठा, उनकी गलती नहीं। गलती उनकी थी, उन्होंने मुझे बुला करके मेरा अपमान किया। क्या सब राजाओं के मान घटे, पर मेरी रली खा के मैं। सब राजाओं के मान घटे, पर मेरी रली खा के मैं। कह लक्ष्मीचंद लंकपति ने, कह ताली, जोरदार ताली, वाह।